to all of you, my dear friends. I am Kumar Shukraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. My dear friends, I hope that you all are doing good and you all are ready with the pen and paper and with your full energy. आपका पूरा उत्साह और जोश किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप सब उसके साथ रेडी होंगे। तो आज का आपका पजल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इससे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू क्रैक दिस पजल विद इन 5 मिनट। और अच्छे से ऑब्जर्व अगर आपने नहीं किया तो डेफिनेटली आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पजल को सॉल्व किया जाना चाहिए बहुत कम टाइम में और अच्छे से ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए आपका। Right, what you got? B, C, D, E are B, C, D, and E are 4 students of different classroom coaching center of KS Education, a leading classroom coaching center for banking examination, and each belong to a different state: Karnataka, Uttarakhand, Tamil Nadu, and West Bengal. आपको क्या दिया हुआ है? पहला आपके पास पर्सन टोटल है, ठीक है? कुछ पर्सन है, ठीक है, और ये क्या 4 पर्सन है। फिर आपको बोला गया क्या डिफरेंट क्लासरूम कोचिंग सेंटर, और बोला गया क्या इच बिलोंग्स टू द डिफरेंट स्टेट, कुछ डिफरेंट स्टेट्स हैं। कौन कौन सा स्टेट है? कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। चलिए आपको क्या पता चला कि वह सब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, राइट? कुछ डिफरेंट स्टेट से वो सब बिलोंग कर रहे हैं, राइट? ये आपने लिख लिया। आगे देखिए क्या बोला गया। नॉट इन द सेम ऑर्डर ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड द एग्जाम इन 4 सिटीज बैंगलोर, कोलकाता, देहरादून एंड चेन्नई। वो सब कुछ 4 डिफरेंट सिटीज में जाकर अपने एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए मतलब आपके पास क्या फिर दिया हुआ है, कुछ एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर है। यहां तक तो आपने देख लिया 4 students for the test series in the different cities. When the result were declared, they got 1st to 4th position in all India ranking. अब क्या है? हर एक किसी का कुछ अपना अपना रैंक भी है, ठीक है? अभी तक तो आपने ये देखा all India ranking में, and they were student of KS Education. और KS Education में क्या-क्या बोला गया? अहमदाबाद, क्या था आपका? अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली एंड भोपाल। मतलब क्या था कि कुछ डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स भी है। चलिए आपको ये भी मेंशन कर देना है, क्या कोचिंग सेंटर, सेंटर, ठीक है, ये आपको वैल्यू दिया हुआ था, ये डेटा था। अब इस डेटा में आपको फिर आगे बोला गया, तो वन हु अपीयर्ड एट द बैंगलोर टेस्ट सेंटर गॉट द 4th position इन ऑल इंडिया रैंकिंग, बट ही इज नॉट ई। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या है आपके पास? देखिए कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल वेरिएबल्स हो रहे हैं, और ये वेरिएबल्स आपको बहुत सफिशियंट है कंफ्यूज करने के लिए। आप ऐसे पजल्स में एक छोटा सा क्या कीजिए कि आपका थोड़ा सा 2 मिनट टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन बहुत इजीली टैकल कीजिएगा आप सब, क्योंकि देखिए ज्यादा आप ज्यादा आपको डेटा दिया नहीं है, 4 ही आपको टोटल वैल्यू है। अच्छा, सबसे पहला क्या होता आपके पास? पर्सन। पर्सन क्या थे आपके पास? अगर पर्सन की बात करें तो बी सी डी एंड ई, ये था आपके पास बी सी डी एंड ई, ये आपके पर्सन के पर्सन थे। फिर आपको आगे क्या बोला गया कि वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेट से हैं? कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। चलिए आप छोटा सा एक बना लीजिए, क्या स्टेट से भी कुछ बिलोंग कर रहे हैं। क्या है पहला? कर्नाटका हो गया आपका, दूसरा आपका देखें तो उत्तराखंड है, राइट, उत्तराखंड हो गया, तीसरा आप देखें तो तमिलनाडु की बात की गई, और फोर्थ देखें तो आप WB वेस्ट बंगाल की बात की गई। ये तो आपको स्टेट की बात की गई थी। ऑल द स्टूडेंट अटेंड द एग्जाम, अच्छा एग्जाम सेंटर की भी कुछ बात है, वो बैंगलोर, कोलकाता, देहरादून एंड चेन्नई। अच्छा चलिए, एग्जाम सेंटर की कुछ बात की गई थी। एग्जाम सेंटर कौन कौन सा एग्जाम सेंटर है? कोलकाता सबसे पहला आपका, बैंगलोर है, फिर आपका क्या कोलकाता है, और फिर थर्ड देखें तो आपके पास क्या देहरादून, ठीक है, और फोर्थ आपके पास क्या चेन्नई है, राइट? ये आपको एग्जाम सेंटर से रिलेशन था दिया हुआ, मतलब डेटा। 4 students फॉर द टेस्ट सीरीज इन द डिफरेंट सिटीज। आपके पास ऑल इंडिया रैंकिंग है, मतलब क्या रैंकिंग 1, 2, 3। अच्छा, रैंकिंग 1, 2, 3 तो वो तो आपको पता है बहुत कॉमन है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। बाकी फिर आपके पास क्या बोला गया कि जो कोचिंग सेंटर होगा वो अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली और भोपाल है,
मतलब क्या, ये तो एग्जाम सेंटर की बात थी। अब अगर कोचिंग सेंटर की बात करें, और कोचिंग सेंटर में कौन कौन सा, अहमदाबाद, ये हो गया अहमदाबाद आपका। दूसरा आप देखें तो आगरा था। थर्ड अगर आप देखें तो आपको क्या है दिया हुआ, दिल्ली। एंड फोर्थ की बात करें तो भोपाल है आपके पास। ये आपको डेटा था। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी रिलेशन दिया हुआ जाएगा आप उसमें कंफ्यूज नहीं करें। क्या क्यों, आपको पता है कि ये जगह आपका कोचिंग सेंटर के लिए था, ये एग्जाम सेंटर के लिए था, बाकी आपका ये स्टेट है, ठीक है? नहीं तो आपको कर्नाटका, बैंगलोर, अहमदाबाद बहुत कंफ्यूज कर देगा आपस में। तो ये एक वे है कि इसमें इजीली कैसे टैकल किया जाना चाहिए। अब आइए, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ, द वन हु अपीयर्ड एट द बैंगलोर टेस्ट सेंटर गॉट द फोर्थ पोजिशन इन ऑल इंडिया रैंकिंग। अब आइए कि रैंक, सपोज 1, 2, 3, 4, यही तो फोर आपको रैंक मिल रहा है फोर पर्सन को। आपके फिर पोजिशन आपको क्या दिया हुआ था बैंगलोर के वाले में, कि बैंगलोर का फोर्थ पोजीशन होगा। डजेंट मैटर क्या है, आप फोर्थ पोजीशन जहां है वहां पे बैंगलोर ले जाओ। बैंगलोर आपका क्या, एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर पे आप बैंगलोर लिख दीजिए। चलिए, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बैंगलोर आपने लिख दिया। आगे देखिए क्या बोला गया, बट ही इज नॉट ई, लेकिन आपका यह पर्सन फोर्थ पोजिशन पे पर्सन कभी भी ई नहीं होगा। मतलब क्या, बैंगलोर सेंटर में आपका क्या ई नहीं होगा। साथ साथ चलिए, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? द वन हु अपीयर्ड एट चेन्नई फॉर द टेस्ट गॉट द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन आपका यहाँ है, और चेन्नई आपके लिए क्या चीज के लिए दिया हुआ था, चेन्नई आपका फिर से एग्जाम सेंटर है, और एग्जाम सेंटर में चेन्नई क्या दिया हुआ था, जो पर्सन आपका फर्स्ट पोजीशन ला रहा है, चेन्नई आपका क्या बोला गया, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम सब क्या लिख देंगे, चेन्नई। मतलब बस आपको डाटा क्या करना है, पिक करना और उठा के वहां डाल देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये सफिशियंट आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा वैल्यू देना है। द वन हु बिलोंग्स टू उत्तराखंड गॉट द थर्ड पोजिशन। अच्छा, थर्ड पोजिशन यहाँ उत्तराखंड क्या चीज के लिए आपका दिया हुआ था, स्टेट के लिए। मतलब क्या करेंगे, कुछ स्टेट से जो बिलोंग कर रहा है वो थर्ड पोजिशन पे आपका क्या, उत्तराखंड है, राइट? ये आपने उत्तराखंड लिख दिया। अच्छा, उत्तराखंड आपका थर्ड पोजिशन दिया हुआ था। आगे बढ़िए, वाई वन द वन हु स्टडीड एट अहमदाबाद सेंटर गॉट द सेकेंड पोजिशन। अहमदाबाद तो आपको कोचिंग सेंटर था, और सेकेंड पोजिशन के लिए क्या आपको दे दिया गया, अहमदाबाद, राइट? ये आपको दे दिया गया अहमदाबाद, सेकेंड पोजिशन आपको अहमदाबाद वाले को है। अब आगे बढ़िए, क्या बोला गया, ई एंड सी स्टडीड नीदर एट द भोपाल नॉर अहमदाबाद सेंटर। अच्छा, ई और सी ना तो आपका भोपाल है ना अहमदाबाद है। मतलब क्या है, अहमदाबाद में ई और सी नहीं होगा, और भोपाल में भी ई और सी नहीं होगा। तो ई और सी लिटरली होगा कहाँ, आगरा और दिल्ली में। मतलब क्या, ई और सी आप डायरेक्टली लगा दीजिए, पॉजिटिव वे में जाइए। ई और सी आपने क्या, आगरा और दिल्ली को लगा दिया। आगे बढ़िए, अहमदाबाद सेंटर ये दिया हुआ था, दे अपीयर्ड फॉर द टेस्ट नीदर एट द कोलकाता नॉर एट द देहरादून। मतलब क्या, दे के बारे में बात हो रहा है, तो वही ई और सी का पोजिशन बताया गया। ई और सी ना तो कोलकाता से और ना ही आपका देहरादून से बिलोंग कर रहा है, मतलब ना ही कोलकाता ना ही देहरादून। तो फिर आकर आपको क्या बोला गया, अच्छा बैंगलोर के बारे में क्या बोला गया था, ई। मतलब क्या, लिटरली एक चीज देखिए तो ई के बारे में एक दिया हुआ गया, ना ही कोलकाता से बिलोंग करेगा और ना ही देहरादून से। चलिए, अगर कोलकाता देहरादून से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या बैंगलोर और चेन्नई से बिलोंग करेगा, और बैंगलोर में आपको क्या पता है, ई तो बिलोंग कर नहीं सकता। मतलब यहां पर से आपका एक कंफर्म पता चल गया, क्या चेन्नई में पर्सन ई होगा, तो डायरेक्टली पर्सन ई पे क्या, चेन्नई डाल दीजिए। समझे या नहीं समझे, देखिए बोला कि कोलकाता और देहरादून से पर्सन एग्जामिनेशन सेंटर में ई और सी पर्सन नहीं हो सकता है, तो ई और सी पर्सन होगा कहाँ, बैंगलोर और चेन्नई। पॉजिटिव सोचना है आपको, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो बैंगलोर और चेन्नई होगा, और बैंगलोर चेन्नई होगा तो आपको बोला गया था बैंगलोर में पर्सन ई नहीं हो सकता है, मतलब पर्सन ई फिर चेन्नई होगा, तो चेन्नई में हम सबने क्या डाल दिया, पर्सन ई। अब बैंगलोर के लिए क्या हो जाएगा, पर्सन सी। अगर बैंगलोर के लिए क्या होगा, पर्सन सी, और पर्सन सी को डायरेक्टली हम लोग क्या पुट कर देंगे, बैंगलोर में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बोला कि आपको कंफ्यूज करने के लिए सफिशियंट है ये पांच का पांच ऐसा वेरिएबल, दे बिलोंग्स। अब फिर से दे की बात की गई है, कौन दे, ई और सी, दे बिलोंग्स नीदर टू वेस्ट बंगाल एंड नॉर टू उत्तराखंड। अब ई और सी ना ही उत्तराखंड और ना ही क्या, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड से बिलोंग नहीं कर रहा है।
ठीक है, मतलब ई और सी ना ही उत्तराखंड और ना ही वेस्ट बंगाल, तो ई और सी क्या कर्नाटका या तमिलनाडु। चले ई और सी आप लगा दीजिए यहाँ पर, क्या कर्नाटका या तमिलनाडु, क्योंकि बोला गया उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कहां से बिलोंग कर रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु से, ये तो पता चल गया। अब कर्नाटका तमिलनाडु आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया, इसलिए हम सब नहीं डाल सकते ई और सी के बारे में। लेकिन ई के बारे में पता है क्या, कर्नाटका होगा, और स्टेट से बिलोंग में आपको ई और सी दोनों अभी स्पेस खाली है, तो मे बी कोई भी एक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन स्टडीड एट दिल्ली सेंटर डज नॉट बिलोंग टू द कर्नाटका। अच्छा, एक चीज आप ऐसा कर लीजिए कि जो दिल्ली सेंटर से बिलोंग कर रहा है वह क्या बोला गया, कर्नाटका से नहीं होगा, ये आपको बोला गया। द वन हू बिलोंग्स टू उत्तराखंड इज नॉट बी, और उत्तराखंड से जो बिलोंग कर रहा है वह बी नहीं है, तो बी आपका कहां होगा, यह पर्सन होगा, और एक पर्सन आपका क्या बच गया, बी सी डी आपका यहां बच गया, तो डी आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब दिल्ली से कर्नाटका नहीं, और कर्नाटका अभी तक आपने आप लोगों ने लिखा नहीं, कर्नाटका क्या दिया हुआ था, कर्नाटक स्टेट था, मतलब क्या इन सभी में से कहीं भी होगा, दिल्ली आपको अब फाइंड आउट करना है दिल्ली कहां होगा। नाउ फर्दर आपको दिया हुआ, द वन हू स्टडीड एट दिल्ली सेंटर डज नॉट बिलोंग टू द कर्नाटका, ये तो हो गया। द वन हू बिलोंग्स टू उत्तराखंड इज नॉट बी, उत्तराखंड बी भी हो गया। द वन हू स्टडीड इन भोपाल डिड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट एट कोलकाता सेंटर, जो भोपाल से है वो कोलकाता सेंटर में अपीयर नहीं हो रहा। ये तो आपको पता है कि भोपाल आपका क्या है, कोई कोचिंग सेंटर है, भोपाल से जो भी बिलोंग कर रहा होगा वो कर्नाटका, कर्नाटका था ना भोपाल, और सॉरी कोलकाता, भोपाल कोलकाता से नहीं होगा, कोलकाता आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर है, मतलब यहाँ या यहाँ। चलिए एक चीज और आपको मेंशन करना होगा, क्या कि भोपाल के बारे में, भोपाल के आगे आप लिख दीजिए क्या, कोलकाता, ये आपने क्लियर कर लिया। आगे देखिए, the one who belongs to Tamil Nadu did not appear at the Bangalore center, और Bangalore center आपको यहाँ पता है, अब Tamil Nadu क्या था, कोई state था, मतलब कहाँ, यहाँ होगा, और Bangalore जहाँ है वहाँ पर आपका Tamil Nadu कभी भी belong नहीं करा, तो Tamil Nadu इन दोनों जगह पर कहीं भी हो सकता है। और आपको एक चीज और क्या बोला गया था, Tamil Nadu या तो E होगा या तो C होगा, ये तो confirm था, E और C यहाँ है, और बोला गया आपको कि बैंगलोर से तमिलनाडु बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको क्या पता चला, अगर सी नहीं होगा तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे, ई होगा, और बिलोंग्स कहां, ई बिलोंग्स टू तमिलनाडु, ये पता चल गया आपको, तमिलनाडु आपने यहां डाल दिया। अब आपके पास क्या बचा, ई और सी के बारे में, तमिलनाडु या कर्नाटका होना था, तो सी आपका हो जाएगा आपका कर्नाटका, क्लियर है, कर्नाटका आपका सी हो गया। अब आपके पास एक ही स्टेट बच रहा है और वह क्या है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल आपको कहां दे देना है, बी के लिए, वेस्ट बंगाल आपने क्या, बी को दे दिया, क्लियर है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब आइए, यहां दो बात था, पहला दिल्ली आपका कर्नाटका नहीं बोला गया, ठीक है, मतलब क्या, कर्नाटका आपका यहां है, तो दिल्ली क्या था, दिल्ली आपका कोई कोचिंग सेंटर था, मतलब क्या, कर्नाटका अगर यहां है तो यहां पर दिल्ली नहीं होगा, कट कर दीजिए, दिल्ली यहां नहीं होगा। दूसरी बात, भोपाल और कोलकाता, कोलकाता आपका क्या था, कोई एग्जामिनेशन सेंटर था, मतलब क्या, यहां पे कहीं भी होना है, ये चीज तो आपको पता है कि यहां पे ही कहीं होना है। अब कोलकाता आपका भोपाल में नहीं होगा, और भोपाल क्या था, कोई कोचिंग सेंटर, भोपाल जहां पर भी होगा वहां कोलकाता नहीं होगा, ये तो पक्का है। अब आइए दूसरी बात कि आगरा और दिल्ली के बारे में आपको पता था ई और सी, ई और सी आपको कंफर्म कहां है, यहां, और दिल्ली अगर ई और सी में ही होना था, तो दिल्ली अगर आपका सी में नहीं हो रहा है, तो दिल्ली कहां कंफर्म हो जाएगा कोचिंग सेंटर, आपका ई में, और सी में फिर क्या हो जाएगा आपका, आगरा हो जाएगा। तो देखिए कितना फायदा आपको हो रहा है अगर इन चीजों को बस आपको एक बार लिख लेना है। और फिर आगे क्या बचा आपके पास, दिल्ली एक ही आपके पास सेंटर बच रहा हुआ, क्या है आपका, भोपाल, जब आपने भोपाल को भी यहां पर अब कंफर्म कर दिया, राइट, ठीक है, भोपाल कंफर्म। अब आपके पास क्या बोला गया, भोपाल में कोलकाता नहीं होगा, और कोलकाता क्या था आपका, कोई एग्जामिनेशन सेंटर था, और भोपाल यहाँ है, तो कोलकाता यहाँ नहीं, तो कोलकाता कहाँ होगा आपका, वेस्ट बंगाल के लिए हो जाएगा कोलकाता, मतलब पर्सन बी के लिए। अब एक एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा बच रहा है आपका, देहरादून, चेन्नई हो चुका, कोलकाता हो चुका, बैंगलोर हो चुका, तो एक ही सेंटर आपके पास क्या बच रहा है,
देहरादून। तो देहरादून आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। देखिए आपने क्या रैंक भी सबको दे दिया, कोचिंग सेंटर भी सबको दे दिया, एग्जामिनेशन सेंटर भी, स्टेट जो बिलोंग कर रहा था वह भी, और पर्सन भी सेटिस्फाई हो गया। तो कितना देर लगा? बस आपको करना क्या था कि ये चीज को लिख लेना था ताकि आप ये स्टेट और एग्जामिनेशन सेंटर और कोचिंग सेंटर में कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, और कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को तो मतलब इतनी आसानी से बनाया जा सकता है कि मैं बता ही नहीं सकता। बाकी आप लोग बहुत इससे टिपिकल टिपिकल पजल बना चुके हैं। आई होप ये पजल आपके लिए कुछ भी नहीं होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वन भी होगा, राइट? आई होप कि आपको एक एक स्टेप यहाँ से अब क्लियर होगा कि कैसे इन चीजों से डील करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फास्ट बनाना है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच आपको किसी पजल के लिए अप्लाई होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होता है, किस तरीके से उस पजल को आसानी से डील किया जाना चाहिए ये आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए पजल देखते ही। और ये कहां से आपका आपका क्रिएट होने वाला है? जब आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बस ये पजल के लिए एप्लीकेबल नहीं है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपका हर एक चीज के लिए होना चाहिए, चाहे आप क्वांट की बात कर लें, रीजनिंग की बात कर लें, या फिर इंग्लिश की बात कर लें, हर एक सेक्शन में, इवन जीए हो गया, बैंकिंग हो गया, सभी चीजों में आपका प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस आपका रहने से आप इजिली इन चीजों से डील कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब हर एक बात समझ में आ गई होगी, ये पजल तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आपका एक लाइक बनता है, आपका एक थंब बनता है, ठीक है? अगर आप लोगों को आज के वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला तो आपका लाइक चाहिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट चाहिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर हम सब मिलते हैं कुछ अच्छे पजल के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग पजल के साथ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट?